खमगनीसा, आज मैं अपने साथ शेयर करूंगी जो कॉटन का ओढ़ना होता है उसको किस तरीके से लगाया जाता है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ड्रेस जो होती है किस तरीके से स्टिच करी हुई होती है और उसको किस तरीके से पहना जाता है। तो अभी आपको मैं ये जो दिखा रही हूँ ये जोड़ है, और ये अंदर से कुछ इस तरीके से स्टिच की हुई थी, और बैक साइड में इसका जो ये नेक होता है वो इस तरीके से होता है जिसमें ऊपर की साइड और नीचे की साइड में डोरी दी होती है जिसको आपको बांधना होता है टाइटली। तो ये जो काशली होती है ये अंदर पहनी जाती है, और इसकी जो स्लीव्स होती है वो लंबी स्लीव्स होती है आपके एल्बो तक, और इसमें जो शॉर्ट स्लीव्स के नहीं पहना जाता है, और जो स्टिच होता है वो इसी तरीके की, आप इसको लॉन्ग स्लीव करवा सकते हैं थोड़ा बहुत, और शॉर्ट स्लीव्स नहीं चलती है। और आप ये देख सकते हैं ये जो डोरी है ये दोनों एक दूसरे से बनती है और ऊपर की साइड भी बनती है। तो अंदर की जो चोली होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, देन उसके ऊपर ये पहना जाता है जो कि कट स्लीव्स का होता है, और ये जो होता है ये थोड़ा सा आपके लॉन्ग होता है। तो ये आपका जो मेजरमेंट होता है वो जो आप जिस टेलर सिलवाएंगे वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं इसका नेक कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे थ्रेड दिया हुआ है। अब इस थ्रेड का मतलब ये होता है, अगर आपको फ्रंट से अगर आपका नेक काफ़ी लूज़ लग रहा है, आपको बैठा हुआ नहीं लग रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उसको खींच के आप टाइट भी कर सकते हैं। तो ये जो इस तरीके का ये ऊपर का होता है जिसको काचली के ऊपर पहना जाता है इसको जोड़ बोला जाता है। फिर ये जो लहंगा होता है, जो लहंगे की जो स्टिच होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की होती है, जैसे कि आप जो लहंगा चुन्नी पहनते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है ये राजपूती ड्रेसेस का लहंगा। इसके अंदर कलियाँ बनी हुई हैं, तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको पास दिखा देती हूँ, इसके अंदर कलियाँ बनी हुई है। तो आप विदाउट कली भी पहन सकते हैं, बट इसमें कली के साथ अगर आप पहनेंगे तो काफ़ी सुंदर लगता है। और इसको नीचे ये मगजी होती है, और ये अगर जो हैवी ड्रेस होती है उसके साथ थोड़ी डिफरेंट मगजी होती है, और अगर आप सिंपल सूट पहनते हैं तो इसमें सेम कपड़े की मगजी लगाई जाती है। और इसमें आप देख सकते हैं नीचे पाइपिंग लगा रखी है। तो इसका जो ये लहंगा होता है वो कुछ इस तरीके से स्टिच किया जाता है, और साइड में यहाँ पे हल्का सा कट होता है, यहाँ पे कोई जिप वगैरह या कोई बटन वगैरह लगे हुए नहीं होते जैसे कि जो लहंगे में लगे हुए होते हैं। इसका थोड़ा सा लहंगा थोड़ा डिफरेंट होता है। अब मैं यहाँ पे आपको कॉटन का ओढ़ना लगाना सिखा रही हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल सिखा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। तो पहले मैंने हैवी ड्रेस का बताया था, आज मैं आपको कॉटन का ओढ़ना लगाना सिखाऊंगी और थोड़ा सा मैं डिफरेंट स्टाइल में सिखाऊंगी। पहले जो मैंने बताया था वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे टक करूँगी अपने कमर पे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। तो उसको आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लें। देन मैं यहाँ पे प्लेट्स ले रही हूँ, तो प्लेट्स आपको जैसे कंफर्टेबल होता है वैसे प्लेट्स लगा सकते हो। प्लेट्स के बाद आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से आगे की तरफ खींच रही हूँ कि प्लेट्स थोड़ी सी प्रॉपर दिखे। जब अगर इसको मैं टक करूँगी तो आप देख सकते हैं ये प्लेट्स कितनी सुंदर लग रही है, जिससे मैंने आगे किया था उसकी वजह से। देन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो मेरा बचा हुआ पार्ट है इसको बैक साइड से लेके राइट राइट हैंड पे मैं इसको लूँगी। और मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि आप लोग मुझे मेरी जो पहले वाली वीडियो है ओढ़ने वाली, उसमें मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि आपने उल्टा ओढ़ना ओढ़ा है, उल्टा ओढ़ना ओढ़ा है, मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे। बट मैंने उसके अंदर उल्टा ओढ़ना नहीं ओढ़ा हुआ था, वो कुछ सेटिंग थी फ़ोन की जिसकी वो मैंने चेंज करना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो आपको उल्टा लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये सेकंड वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको कॉटन का ओढ़ना लगाना बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नीचे मैंने टक किया ये लेफ़्ट साइड में टक होता है, और बैक साइड से होते हुए ये राइट हैंड पे आपका ऊपर का ओढ़ना आता है जिसको आपको अपने आर्म्स के नीचे टक करना होता है। तो अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और जो कॉटन का ओढ़ना होता है उसके अंदर कोई भी पिन्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर अगर आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो आप कॉटन के ओढ़ने में पिन लगा सकते हैं, क्योंकि कॉटन का ओढ़ने में फटने का डर नहीं रहता है। देन यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हैंड से रफली मैं इसको ऊपर के साइड लेके जा रही हूँ अपने शोल्डर पे। तो जो ये ओढ़ना होता है इसके अंदर प्रॉपर आपको प्लेट्स की नीड नहीं होती है, ये रफली लगाया जाता है। और बस खाली इस बात का ध्यान रखें आपका जो कॉर्नर का गोटा है वो अंदर के साइड दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा बाहर के साइड में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है ये ओढ़ना लगाना, और ये नीचे की जो लेंथ है ओढ़ने की वो आपका जो ऊपर का जोड़ है उस लेंथ में होना चाहिए, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा, बट ज़्यादा लंबा नहीं अच्छा लगता है। और आप अगर घूंघट लेते हैं तो आप दे सकते हैं इस तरीके से, आप अपने घूंघट के अकॉर्डिंग अपना ओढ़ना
सेट करें। और अगर आप सिर्फ सर पे रखते हैं तो भी आप अपना जो मेजरमेंट है वो ले सकते हैं कि आपको घूंघट लेना है या फिर सर पे लेना है। जरा आप ये देख सकते हैं, अगर आपको आर्म्स में प्रॉब्लम होती है, आप अनकंफर्ट होते हैं, तो आप पिन लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो कॉटन का जो ओढ़ना होता है वो ईजिली टिका रहता है आपके शोल्डर पे। और आप ये देख सकते हैं पीछे से आगे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये ओढ़ना लग चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से भी आप ओढ़ने को लगा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा हैक बताना चाहूँगी कि अगर आपका ओढ़ना पुराना हो जाता है या फिर आपका गोटा थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो वो अगर जब पल्ला लेते हैं तो वो आगे से थोड़ा सा उठा हुआ लगता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये उठा हुआ लगता है, तो वो सर पर जब पल्ला आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका गोटा है उसको आप कुछ इस तरीके से, जैसे कि अंदर मैं वीडियो के अंदर दिखा रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा खींच के सही कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो ये सर पर जो पल्ला आएगा वो प्रॉपर तरीके से बैठेगा। तो आप ये देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो आपका जो ये सर पे जो पल्ला होगा वो प्रॉपर तरीके से आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये सेट हो गया है। तो आप इस तरह ये हैक जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।